everybody, welcome to Glorious Classes. I am Shruti Mishra and we are done with the first chapter of your economics book. We have completely discussed the chapter on the village of Palampur. We have discussed various kinds of factors of production and how production activities are organized in the village of Palampur. Now today I have come up with the exercises, the questions that are given in the NCERT book. We'll discuss that. So let's see the first question. Every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some details are presented in the following format. Fill up the following based on information on Palampur. ये question क्या बोल रहा है कि हर village में India में 10 years में एक बार census होता है. Census का मतलब government जो है वो जो village है उसके सारे details को अपने पास document करवाती है. तो यहाँ पे हम लोगों को पालमपुर के बारे में जो भी बुक में जो डेटा दिया हुआ है उन सारे चीज़ों को डेटा को यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनमें फिल करना है. ठीक है, तो पहला लिखना है लोकेशन, बी है टोटल एरिया ऑफ द विलेज, विलेज का टोटल एरिया कितना है, कितना ज़मीन है विलेज के अंदर, और लैंड यूज़ किस तरह से वहाँ पर लैंड यूज़ पैटर्न है जो हमने अलग अलग पाई चार्ट में, मैप्स में, इन सब चीज़ों में देखा है लेसन के अंदर. लेसन के अंदर से ही हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है. कल्टीवेटेड लैंड, जिस लैंड पर खेती होती है, तो इसका दो पार्ट है, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड. तो पालमपुर का कितना लैंड है जिस पे खेती होती है, वैसा लैंड जिसपे सिंचाई होती है और जिसपे नहीं होती. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वैसा लैंड एरिया जहाँ पे खेती नहीं की जाती, जो या तो घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या फिर नहर है, नदी है, तालाब है, इस तरह से किसी भी दूसरे कामों में उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उस ज़मीन का, उस पर खेती नहीं की जा रही. इन सारी चीज़ों को लेसन के अंदर से डिटेल में लिखना है. अब पालमपुर में क्या फैसिलिटीज़ है, एडुकेशन के लिए वहाँ पे क्या है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ पर क्या सिस्टम है, कोई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्या है वो लिखना है. मेडिकल, वहाँ पे हॉस्पिटल है या लोगों को मेडिकल फैसिलिटी के लिए अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कहाँ दिखाने जाएंगे, कैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में लिखना है. मार्केट कहाँ पर है वो लिखना है. इलेक्ट्रिक सप्लाई है कि नहीं है, कब से है वो लिखिए यहाँ पर. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं उसके बारे में लिखना है. और नियरेस्ट टाउन, सबसे पास में पालमपुर से कौन सा टाउन है उसका नाम लिखना है. अब हम लोग क्वेश्चन टू देखते हैं. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू अग्री. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो चैप्टर के अंदर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पढ़ा था जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया, जिसमें HIV सीड्स थे, ट्रैक्टर्स का यूज़ था, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ था. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें ज़्यादा इनपुट्स जो है वो इंडस्ट्री से खरीद कर आपको लाना पड़ता है, वो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. तो डू यू अग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इसको लिखना है. अगर आप सहमत हैं तो आपको डिटेल में लिखना होगा कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उससे क्या फ़ायदा होता है और अभी तक पालमपुर के विलेज में कब से उसको अपनाया गया है, अपनाने के बाद लोगों ने क्या फ़ायदा देखा है. इन सारी चीज़ों को इस क्वेश्चन नंबर टू में डिटेल में डिस्कस करना है. जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जब से पालमपुर विलेज में आई है तब से जो विलेजर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका लाइफ इजी किस तरह से हो गया इसके बारे में लिखना है. तो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है लोगों ने अपने अपने ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं और ट्यूबवेल से क्या फार्मिंग मेथड में हेल्प होता है, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा. क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई. जितने फार्मिंग लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है, उसको इरिगेशन के अंडर लाना है, मतलब उस पर सिंचाई करनी है. क्यों क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो लिखना है. और फिर इसमें आपको ये भी डिस्क्राइब करना होगा कि इरिगेशन क्या होता है, मोड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है, किन किन चीज़ों से सिंचाई की जा सकती है.
अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर. एक टेबल बनाना है आपको जिसमें ये बताना है कि किस तरह की फैमिलीज के पास किस तरह का लैंड होल्डिंग है. जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर में, स्मॉल फार्मर्स के पास कैसा है, लैंडलेस फार्मर्स के पास किस तरह का लैंड है, लार्ज और मीडियम फार्मर्स के पास किस तरह का लैंड है. तो ये आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बताना है. जैसे टेबल के एक तरफ पे होगा कि किस तरह के फार्मर्स हैं, और टेबल का जो दूसरा साइड होगा उस पे ये लिखा जाएगा कि उनका लैंड होल्डिंग कैसा है, कितना बड़ा है. इसके लिए एक टेबल बनाना है. Why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? Palampur में जो government ने जो minimum wages fix किया है, जो 300 rupees per day है, उससे भी कम क्यों farm के laborers पैसे कमाते हैं, क्यों उससे कम पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं? ये हमने chapter को discuss करते वक्त discuss किया था, तो I hope आपको इसका answer पता होगा. Question number 7 देखिए. In your region, talk to 2 laborers. Choose either farm laborers or laborers working at construction sites. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they work regularly? Are they in debt? आपको किसी भी 2 लेबर को खोजना है अपने घर के आसपास कहीं पर भी, जहां बिल्डिंग बन रही होगी या किसी फार्म पे कोई काम कर रहा होगा. उनको जाकर पूछना है कि वो लोग क्यों एज ए लेबर काम कर रहे हैं, उनको कितने पैसे मिलते हैं एक दिन काम करने के लिए, और क्या उनको कैश मिलता है या उसके बदले में कोई ना कोई सामान दिया जाता है, और क्या उनको महीने के हर दिन काम मिलता है या महीने में कितने दिन उन्हें काम मिल पाता है, और इसकी वजह से उनके लाइफ का कंडीशन क्या है, क्या वो किसी तरह के कर्ज में है या उनकी लाइफ आराम से चल रही है, वो अपने जीने लायक कमा पाते हैं. इन सारी चीजों को 2 लेबर से बात करके उनसे डिटेल्स लेकर इसमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन. अब एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक ही लैंड पर सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या डिफरेंट वेज है, ये पूरे चीज को हमने इस चैप्टर में इसी सब चीजों को डिस्कस किया है कि एक जो लैंड जो है वो जो फिक्स्ड कैपिटल है उससे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, और इसमें आपको खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल्स भी आप यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. अगर किसी के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड है, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था गोविंद के जो तीनों बेटे थे, जब वो डिवीजन कर लेते हैं आपस में लैंड का, तो वो किस तरह से फार्मिंग करते हैं और उससे उनकी लाइफ कैसी हो रही है, इन सारी चीजों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा. How do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? Medium और large farmers कहाँ से पैसे लाते हैं farming करने के लिए, और जो small farmers हैं वो कहाँ से लाते हैं, दोनों में क्या difference है, ये भी chapter में बहुत अच्छे से हमने discuss किया है कि large farmers और medium farmers का source of income क्या है, वो अपने पैसों से क्या क्या करते हैं, और small farmers किस तरह से पैसे इकट्ठा करते हैं farming करने के लिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह. वुड सविताज कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब सविता की जो स्टोरी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है कि किस तरह से वो एक लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह के यहाँ काम करती है, उससे लोन लेती है, उसके यहाँ ऑलमोस्ट आधे से भी कम वेज पर वो फार्म लेबर का भी काम करती है, फिर 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन लेती है, तो उसका लाइफ का सिचुएशन कैसा हो जाता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है. अब आपको ये बताना है कि अगर सविता ने वो लोन तेजपाल सिंह से नहीं लेकर किसी बैंक से लिया होता तो क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता? डेफिनेटली बैंक 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, 24% से कम, बहुत कम रेट पर उसे बैंक से लोन मिल गया होता, और उसके बदले में उसे कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट या आधे से कम में फार्म पे जाकर काम नहीं करना पड़ता, फ्री में लेबर कहीं पर भी नहीं देना होता. तो इससे क्या होता, सविता की लाइफ का कंडीशन इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसका तेजपाल सिंह से लोन लेने की वजह से हो जाता है. जो 12th क्वेश्चन है, Talk to some old residents in your region. Write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the last 30 years.
इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अपने आसपास में कहीं पे भी जहां पर खेत है या किसी भी जो बूढ़े लोगों को आप जानते हो उन लोगों से बात करके ये बताना है, ये पता करना है कि आपके एरिया में जो खेती होती है वो पहले के जमाने में कैसे होती थी, क्या क्या टेक्निक्स यूज किया जाता था, और अभी के जमाने में उसमें कितना बदलाव आया है, प्रोडक्शन पहले कितना था और अभी कितना हुआ है। तो जिन सारी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको किसी से बात करना है जो आपके एरिया में बहुत सालों से रह रहे हो, जिनको पता हो उस एरिया में पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के आसपास कैसा था, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। फार्मिंग से रिलेटेड चेंजेस को एक शॉर्ट रिपोर्ट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। आपके घर के आसपास नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जैसे कैटल पालना, दुकान चलाना, छोटे मोटे बिजनेस करना, या किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना, कोई सामान बनाने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, फैक्ट्रीज खोलना। तो इस तरह से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपके आसपास होती हैं जो कि फार्मिंग नहीं है, जो कि खेती को छोड़ के और जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है इस क्वेश्चन में। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। किसी भी विलेज में, इंडिया के किसी भी विलेज में, और क्या करना चाहिए कि ज्यादा लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को करें। जो इंडिया का ज्यादा पॉपुलेशन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो लोग फार्मिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग करते हैं किसी भी विलेज में, वो लोग फार्मिंग को छोड़कर दूसरे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, ताकि जो जितने लोग फार्मिंग करें उतने लोगों के लिए फार्मिंग से जो इनकम आए वो सफिशियंट हो। मतलब अगर एक घर में पांच लोग रह रहे हैं तो पांचों के पांच लोग एक ही जमीन पर काम ना करें, एक ही जमीन के खेती से ना खाएं, एक आध लोग खेती करें, बाकी लोग कुछ और काम करें जिससे उनके घर में ज्यादा इनकम आए। तो इससे इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए कि लोगों को पहले एडुकेट करना चाहिए कि उनके लाइफ में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। लोगों को एडुकेशन का इम्पोर्टेंस सिखाना होगा कि अगर वो पढ़ लिख जाते हैं तो वो किस तरह से दूसरे दूसरे एक्टिविटीज में स्किल्स को डेवलप करके दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्कीम शुरू किया है, सेल्फ एम्पावरमेंट का स्कीम शुरू किया है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोगों को इन सारे स्कीम्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए ताकि वो समझ सके कि किस तरह से वो अपना छोटा मोटा बिजनेस, खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो, और फार्मिंग करना ही सिर्फ उनके जीवन यापन करने का तरीका नहीं है। So, after discussing the NCERT questions, here are some extra questions for you, which you should be knowing after reading the question for whole chapter. पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिस्कस किया, आपको समझ भी आया, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद यू, यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन ईदर वन वर्ड और वन सेंटेंस, मैक्सिमम वन टू टू सेंटेंसेस, ओके? Your answer should not exceed more than two sentences. So there are almost 32 questions. Okay, 32 very short type questions. Then we come to short answer type questions. Here you should answer them in about 30 to 50 words. So the first question is, what are the essential four requirements for production? We have discussed in the chapter. वट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया है, आपको डिटेल में बताना है कि फोर क्या क्या एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और उनको साथ में डिस्क्राइब भी करना है। फिर क्वेश्चन टू जो है, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था और उसमें क्या क्या नया टेक्निक्स आया जो एग्रीकल्चर में लोगों ने यूज किया, उन सारी चीजों को इसमें लिखना है पॉइंट वाइज। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान हुए, उन सारी चीजों को लिखना है इस क्वेश्चन में। वॉट डू यू मीन बाई वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल क्या है ये डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। वर्किंग कैपिटल हमने काफी अच्छे से चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया था और डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद एचआईवी सीड्स, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में एचआईवी सीड्स यूज करने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे या ट्रेडिशनल सीड्स में जो जो प्रॉब्लम्स नहीं थे वैसे क्या क्या प्रॉब्लमेटिक फीचर्स एचआईवी सीड्स में थे, इनको लिखना है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि एचआईवी सीड्स क्या थे, उनका फुल फॉर्म क्या है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा था फार्मर्स को जो ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड्स में नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस डेयरी फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर इन डिटेल। विलेज पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में डेयरी फार्मिंग है उसको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। ठीक है, डेयरी फार्मिंग हमने डिस्कस किया चैप्टर के अंदर, जिसमें लोग पशुपालन करते हैं और दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है पहले आपको ये बताना है और क्या क्या आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि इन सारी चीजों को हमने चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस किया है और समझा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस। सरप्लस से हम क्या समझते हैं और फार्म सरप्लस जो है, जो फार्मिंग का प्रोडक्शन है वो अगर सरप्लस हो तो उससे क्या किया जाता है, उसको किस तरह से बेचा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में बताना है कि किस तरह से फार्मर्स उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां से उसको मार्केट में जाके शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन को बेचते हैं, फिर वो बिजनेसमैन जाके टाउन में बेचते हैं, वो पूरे चेन को, सप्लाई चेन को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब आपके लिए सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। कैसे आप कह सकते हैं कि जो पालमपुर है वो एक अच्छा डेवलप्ड विलेज है। इसमें चैप्टर के अंदर जो कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है विलेज पालमपुर को के पूरी स्थिति को दिखाने के लिए, उन सारी चीजों को इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना होगा डिटेल में। आपका आंसर कम से कम एक पेज का होना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और हमने फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल दोनों को काफी अच्छे से समझा है, तो आप इस क्वेश्चन में दोनों को अच्छे से डिटेल में लिखिए और दोनों के डिफरेंसेस को बताइए। और अगर इतने में आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है तो इस आंसर को शुरू करने के लिए पहले आप बताइए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, उसके बाद उसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को डिस्कस करके दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको बताइए और दोनों के एग्जांपल्स भी दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस थे वो आपके चैप्टर पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, वो जो क्वेश्चंस थे वो इस पे बेस्ड थे कि आपने चैप्टर से क्या समझा है, कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से समझा है और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड वो क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनका डायरेक्ट आंसर चैप्टर के अंदर से मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिला के आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में किसी भी और तरह के क्वेश्चन को पूछा जाएगा क्योंकि पूरे चैप्टर को डिटेल में हमने डिस्कस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कर लिया है, पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर चैप्टर के बीच में जो लेट्स डिस्कस में जो क्वेश्चन हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना, जो टेबल्स फॉर्मेट में जो आंसर्स लिखने थे उन सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को आप मिलाकर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप इजीली अपने स्कूल के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।